निकलिए आप, जो पानी फेंक रहा है उसको तो कुछ नहीं बोलते आप। साला जीना है, पुलिस को आगे करता है तो एक्सक्यूज मी छोरो, मेरे मेरे से ऐसे नहीं, ऐसे धक्का का नहीं देना है। और जो है कि एक महिला को गिरफ्तार कर लिया गया है, लड़की को खींच खींच के ले गया, कितना 13 किलोमीटर दूर बहुत होता है। आप किसके आगे, केजरीवाल सरकार या बीजेपी सरकार? केजरीवाल सरकार, केजरीवाल को वोट दिया है, केजरीवाल को दिया है, बोला था केजरीवाल के मैं मकान तोड़ने नहीं दूंगा, मेरे को वोट दिया। केजरीवाल आज कहाँ है, आज चोरी पड़ा है, केजरीवाल चोरी पाल लिया है, केजरीवाल सरकार। और यहाँ तो सब बीजेपी की तरफ जा रहे हैं, इधर सब बीजेपी की तरफ से क्या हम लोग हम जो कहाँ जाएंगे भैया, हमारे पास 2 दिन खत्म हो गए, 12 दिन बचे, जिसमें 15 दिन का हमें नोटिस दिया गया है। बताओ 16 तारीख से बच्चों के स्कूल खुल जाएंगे, अब हम कहाँ जाएं? बोला सरकार ने, बोला जहाँ झुग्गी वहाँ मकान, ठीक है, तो अब कहाँ उनका बीजेपी वाले का केजरीवाल सरकार अब कहाँ गई बताओ? सरकार दावा करती है, दोनों सरकारें ये चीज बोलते हैं, लेकिन बीजेपी वाले ज्यादा बोलते हैं। अब हम देखो पूरी दुनिया में इतना जंगल पड़ा है दिल्ली में, लेकिन जहाँ जनता रहती है वहीं क्यों लोग उंगल करते हैं? बताओ हमारी सियानी सियानी बेटियां हम लेके कहाँ जाएं? सरकार भी तो जनता ही बनाती है ना, सरकार भी तो अपने आप से तो नहीं बनती है ना, सरकार भी तो हम ही लोग बनाते हैं ना, और हम ही लोगों की छाती में बिल्डोजर चला रहे हैं। पानी का सुविधा नहीं देना चाहिए था, हमें मानना था तो पानी बंद करना चाहिए था, लाइट क्यों दिया सरकार, लाइट क्यों दे रहा है, फिर खाने के लिए राशन क्यों क्यों बना रहा है, जब हमें यही करना था भूखा ही मार देता, 30 साल पहले ही तोड़ देता था, पहले ही तोड़ देता, पहले ही मार देता हम लोगों को। क्यों बिजली का बिल लेते हो, क्यों आते बिजली का बिल आगे क्या करने वाले हो? आगे हम लोग वहाँ से जाएंगे, हम मर जाएंगे, परेशान लग रहा है आपको? परेशान लग रहा है, परेशान लग रहा है आपको? आपको दिखाई नहीं दे रही है, आपको दिखाई नहीं दे रही है? देखिए ये ठीक नहीं है, हाथ में नहीं, हाथ में लेना है पत्थर, नहीं लेना क्या, पत्थरबाजी नहीं होनी चाहिए, इतनी ठंड में पानी फेंक रहे सबके ऊपर, वो सही है?
वो सही है। इतनी ठंड में पानी फेंक रहा है सबको ऊपर, पानी मार रहा है, वो सही है। मैं पत्थर फेंक रही, मैं गलत हूँ मैं। ये गरीबों की आवाज़ है, थोड़ा कोई गरीब नहीं हो आप लोग, जाओ बॉर्डर कह रहे हैं छोड़ा जाए सर्दी में, गरीब बोले किसके बारे में भैया, हाथ जुड़वा लो। किसके आपने हाथ जोड़ रही है, दिल्ली सरकार के, एमसीडी के, किसकी सरकार के आगे हाथ जोड़ रही है? ये मोदी है ना, मोदी चूतिया एक नंबर का साला हरामी है। दिखाई नहीं दे रहा मोदी के ये सब हम क्यों कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, किस लिए करवा रहे हैं, दिखाई नहीं दे रहा। औरतों पे सर्दी में पानी छोड़ रहा क्या? चलो गाड़ी में चलो गाड़ी में चलो। मुझे गाड़ी में जाने की जरूरत नहीं है, मुझे छोड़ो। चलो इसको छोड़ो, इसको ले लो, छोड़ो। चलो जो गाड़ी से पानी फेंक रहा ना सारे हरामी, एक्सक्यूज मी, छोड़ो। मेरे से ऐसे नहीं, ऐसे धक्का का नहीं देना है। मैं दूसरी टाइप की लड़की हूँ, ठीक है? मैं किसी डर से अंदर नहीं रहूंगी। यहाँ से निकलिए आप, जो पानी फेंक रहा है उसको तो कुछ नहीं बोलते आप, उसको तो कुछ नहीं बोलते। सब गीले हो रहे हैं यहाँ पे, सब बीमार पड़ेंगे, उसको बोलो ना जाके कुछ। मुझे क्यों वो कर रहे हो? पुलिस को आगे करता है तो पानी लेके आगे करता है, करेगा क्या? जिस सही बात है, भरवा के लिए कहिए है, भरवा के लिए कहिए है, ऐसा करता है। मोती का जनाजा उठाने के लिए आए थे, जनाजा उठाने के लिए ये हाल किया है, क्यों किया है, क्यों क्या किया? देखना क्या हाल करके रखा है ये सारा पुलिस। सारे गुंडागर्दी चल रहा है, ऐसे गुंडागर्दी नहीं चलेगा, मोदी का गुंडागर्दी नहीं चलेगा। ये पुलिस वाले का गुंडागर्दी है, एक मोदी गुंडागर्दी पुलिस वाला का बंद करने के लिए बोले। आगे से ऐसे पब्लिक के साथ में ना करा जाए, सरकार होता है पब्लिक, पुलिस वाला होता है पब्लिक का सुरक्षा करने के लिए। क्या मोदी के सपोर्ट करने के लिए सरकार बना हुआ है क्या? पुलिस वाला किस लिए पब्लिक का हाथ उठा रहे हैं? ऐसे हाथ नहीं उठाना चाहिए। सर्दी में बारिश का पानी छोड़ रहे हैं लोग, क्या किस लिए छोड़ रहे हैं? ये ना खिलाफ कर रहे हैं, जो कर रहे हैं ये गलत कर रहे हैं। इस तरह से ना करे, हमारे साथ में ना करे। मोदी जी को समझा दो, ये हमारे साथ में पुलिस वाला गुंडागर्दी ना करे। और ऐसे अगर सरकार है तो पुलिस वाला अपने घर में बैठा रहे, पब्लिक के साथ में नहीं। और जो है कि महिला को गिरफ्तार कर लिया गया है, सारा लेके मार रहा, मरवा रहा, बड़वा पानी छिटवा रहा है, मरवा रहा है, झुग्गियां तोड़ रही है, घर तोड़ रही है, घर से बेघर कर रहे हैं सबको। मोदी सब करवा रहा है ऐसा? बता, मोदी जब इलेक्शन लेना होता है तो बोलता है जहाँ झुग्गी वहीं घर, अभी जब जीत जाता है तो कहाँ झुग्गी कहाँ घर गया, सब मोदी करवा रहा। देखो हम लोग के साथ साथ क्या कर रहा, लेडीजों पे डंडा चलाया जा रहा, लेडीजों को बंद किया जा रहा, लेडीजों पे मारा जा रहा है। बताइए कहाँ का हिसाब है? देखो उधर जाके क्या क्या करा हम लोग ने, जेंट्स वाले मार रहे, जेंट्स मार रहे पकड़ के ले जा रहे, लेडीज का कोई अलाउड के उसको अंदर करे, उसको पूरा टांग के ऐसे करके फेंक रहे बस में। सब मीडिया वालों ने देखा लेडीज को, लेडीज को अभी और नहीं है। क्या करोगे भाई, क्या करेंगे? कोई कुछ नहीं कर पाएगा, अभी इतने पुलिस पकड़ के ले गए हैं, रोक सका किसी ने?
नहीं रोक सका क्योंकि पुलिस वाले इनको उठा के फेंका, मुझे उठा के फेंका, मेरा बॉडी टच किया पुलिस वाला ने, ऐसे करके पकड़ रखा था। ये गलत बात है कि नहीं है? जेंट्स पुलिस क्यों पकड़ा, क्यों बदन में टच किया है? जेंट्स पुलिस क्यों किया, क्यों किया? पुलिस वाले ने उठा के इसको फेंका। तू इसके लिए लेडीज नहीं था क्या? एक लेडीज नहीं है, तू उसे उठा के फेंका। हम इंसाफ लेने जाए कैसे? दिल्ली पुलिस ऐसे दोगला, मोदी दोगला, मोदी भरवे, मोदी हिजरों से बेगुजर गया गुजरा, मोदी जो करवा रहा सब मोदी करवा रहा भरवा, मोदी करवा रहा सब भरवे, ऐसे सम्मान करते नारियों का, मोदी सम्मान नारी नहीं करता। मरते तो अपने बहू को अपने घर में रखते, अगर मोदी सरकार अगर सम्मान करता अपने बहू को, अपने लुगाई को अपने घर में रखता, जब होता है सम्मान, जब होता है सम्मान, उसमें भी इन लोगों का हाथ है जो रेप होता है, ये सब इन लोगों का हाथ होता है नेता का, इसलिए बहु बेटी का रेप होता है रास्ते में, बहु बेटी चल नहीं पाती है, बहु बेटी सुरक्षित नहीं है दिल्ली में। अभी कंजा वाला में केस में देखी हो 13 किलोमीटर दूर खींचके ले गए, तब कहाँ गए तब मादरचोद पुलिस महासूद बने गए था, बोलना नहीं चाहिए, गाली नहीं देना चाहिए, उस टाइम पुलिस कहाँ गया था? बलात्कार करता है 13 किलोमीटर दूर, तब पुलिस कहाँ गया था? तब महासूद पर रहता पुलिस, 13 किलोमीटर तक कोई पुलिस नहीं था, कांजा वाला का उस लड़की को मार दिया है, तब पुलिस का सो रहा था। और आप लड़के मोदी केजरीवाल, आप कैसे पुलिस बुला रहा है, गाड़ी कैसे बुला रहा है यहाँ पे, आप कैसे आ रहा है पुलिस? तब क्यों नहीं था उस लड़की को जब मार दिया? और सब बीआईपी लोग हैं, किसने बनाया बीआईपी? हमने बनाया बीआईपी, हमने वोट दिया तो बना है बीआईपी, अगर हिम्मत है तो अकेले बन जाए बीआईपी। हमें क्यों नहीं बना रहा है? हमें बीआईपी क्यों नहीं बना रहा है? हमें क्यों नहीं बनाया जा रहा बीआईपी? हमारे लिए पुलिस पास क्यों नहीं दिया जा रहा है? क्यों बीआईपी हमने बनाया है सर, हमने नहीं सर, चिंता मत करो, जब बनाने जानते हैं तो उठा हटाने भी जानते हैं, जब बनाने जानते हैं हटाने भी जानते हैं, हम पब्लिक हैं। क्यों सरकार ये सब कर रहा है, क्यों जाने नहीं दे रहा है? सरकार अपना बचाने के लिए पैसा है सरकार का, इसलिए सरकार ये सब कर रहा है, गरीब कहाँ जाएगा? रोड पे खड़े हुए हैं, विकास है हमारा, हम रोड पे पड़े हुए तो विकास है, हमारे बच्चे रोड पे हैं, ये हमारा विकास हो रहा है, देख नहीं रहे? छोटे छोटे मैं दुकान का गांव से आई हूँ, हमारा हक हमें वापस चाहिए, हमारा घर हमें वापस चाहिए, हम छोटे छोटे बच्चे लेके जाएंगे कहाँ? एक एक पैसे जोड़ के हमने घर बनाया है। तुगल का बात में तो कह रहे हैं कि भाई उनको मकान दे तो रहे हो, 14 मंजिल का मकान, कोई मकान नहीं दे रहा सर, कोई मकान नहीं दे रहा, कोई मकान नहीं दे रहा, हमारा 15 दिन का नोटिस दे के गए, 15 दिन में छोड़ना पड़ेगा, कोई मकान नहीं दे रहा, अब बच्चे लेके जाएंगे कहाँ? तुगल के बाद कब से रह रहे हैं आप? तुगल के बाद से 20-25 साल हो गए हम वहीं पे बसवारा कर रहे हैं, हमारा अब हमारा हक छीना जा रहा, हमें हमारा हक वापस चाहिए। तो आप यहाँ पे क्या करने आए थे बताइए? हम हमारा हक लेने आए, सब हमारा सब कुछ नोटिस देके गए 15 दिन में खाली करने, हम 15 दिन में खाली करके जाएंगे कहाँ? तो बीजेपी कह रही है कि मकान देंगे हम, सर कोई मकान नहीं देंगे, उनको सरकार तो उन्होंने बना लिया, अब तो आप 5 साल बाद आदि बात करेंगे, कोई मकान नहीं है, वो झुग्गी वाले के लिए मकान है, वो तुगलकाबाद वालों के लिए मकान नहीं है सर, कोई मकान नहीं है। तुगलकाबाद देश से अलग है थोड़ी है, दिल्ली से अलग थोड़ी है। जी हम तो कलकाबाद गांव से आए हैं और हमारा मकान टूट रहा है, हमें 10 दिन का टाइम मिला है, हमें अपना घर चाहिए, हमारे गली में हमारे झुग्गी में कोई सर सफाई नहीं है, कोई नेता नहीं जा रहा है, हम रमेश बिदुरी के पास गए, उन्होंने बोले कि अपना नेता के पास जाओ, हम अपने नेता के पास आए, अभी तक सुबह से भूखे प्यास है, हमारा नेताजी हमसे मिले नहीं, वो कह रहे हैं प्रदर्शन करो घर जाओ, नेताजी वहीं मिलेंगे, आज तक हमारे नेता कभी वहाँ तुगलकाबाद गांव में नहीं पहुँचे, और ये राजनीति चल रहा है, ये वोट की वजह से राजनीति चल रहा है, हमारा मकान तोड़ा जा रहा है, हमें इंसाफ चाहिए, हमारा जुबिया तोड़ा जा रहा है, पता नहीं क्या राजनीति ये लोग लगा रखे हैं, समझ में नहीं आ रहा है। नहीं नहीं कोई मकान नहीं मिल रहा हमें, कोई घर हमें नहीं मिल रहा है, अगर हमारा मकान मिलता तो हम नहीं आते, अगर हमें मकान दिया जाता तो हम यहाँ नहीं आते, हम अपने बाल बच्चे के साथ
सब घर पे रहते हैं। देखिए अब कमाने वाले हैं, ड्यूटी वाले हैं, सब यहाँ पर सब आ रहे हैं, काम धंधा सारे छोड़कर यहाँ पे आए हैं। बताइए हम क्या करें, कोई शांति नहीं है हमारे में, बिल्कुल भी नहीं है। हमने 40-50 रखे, वो भी तोड़ा जा रहा है। ना मीटर का सुविधा, ना नाला का, ना रोड का, ना किसी चीज की सुविधा नहीं है। पानी हमारे गली में 6 महीना पे आता है, 6 महीना पे पानी आता है, एक बार दिया जाता है। हमारे गली में बोर तक भी नहीं है, कुछ भी नहीं। टैंकर मंगवाते हम लोग, वो भी टैंकर पैसा लेकर देता है। जिंदगी पार हो गया, हमने सरकार ने क्या दिया हमें, हमें दे तो सही सरकार है। आज आप लोग मीडिया वाले आए हो, कल हो सके कि हमें भी उठवा लिया जाएगा, क्योंकि हम बोलने में आगे बढ़ गए हैं। कल हमारी आवाज को दबा दिया जाएगा, क्योंकि आपकी आवाज दबा रही है सरकार। दबा रही है, क्या कर रही है, क्या कर रही है सरकार। कल हो सके कि हमें भी बोला जाएगा कि ये ज्यादा बंदे इसे हटा दो रास्ते से, क्योंकि आजकल हर लोगों को बोलना नहीं चाहता। हमारे गाँव को तो भाई बात ही नहीं रहना है। आप सरकार क्यों आरोप लगा रहे हैं, क्या आरोप लगा रहे हैं, आप बताओ क्या आरोप लगा रहे हैं, आरोप क्या लगा रहे हैं, क्या आरोप लगा रहे हैं। हम झूठा बोल रहे हैं। आप मेरी मकान में जा करके देखो, एक एक लोग बर्तन धो धो के अपनी सामान की जुगाड़ कर दिया है, सब अपना मेहनत का कमाई खा रहा है। क्या कर रहे हैं सरकार को, क्या कर रहे हैं, कोई गलत है। छोटे छोटे बच्चे हैं, बच्चा छोड़ करके जाता है, कभी बच्चा चोरी होने का डर, कभी कुछ होने का डर, कभी जिंदगी तो झंड में चली जा रही है। दिल्ली में क्या है जिंदगी, क्या कर रही हूँ, कमाने खाने आते हैं, कमाने खाने के आते हैं, बिजली बिल भरते हैं, फ्री भरते हैं। जब सरकारी जमीन थी तो मीटर क्यों लगवाया गया था, नाला पास क्यों करवाया गया था, पहले राशन कार्ड बनवाया गया, हर चीज क्यों करवाया गया। उसी समय ना उनको रोक देना चाहिए था, हमारी जमीन है। आगे क्या करेंगे, कोर्ट तक जाएंगे, अब हार नहीं मानेंगे। मेरे घर से जो निकालेगा हम नहीं उसको बख्शेंगे, क्यों। जब हम सरकार बनाने जानते हैं ना, तो हम पब्लिक में बहुत ताकत है, ठीक है ना। जब हम सरकार चुन सकते हैं तो हम लोग कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है ना। गाड़ी लड़की को खींच खींच के ले गया, कितना 13 किलोमीटर दूर बहुत होता है, मामूली बात नहीं है। 13 किलोमीटर दूर, 13 किलोमीटर दूर बहुत होता है। तब कहा गया था पुलिस वाला, दिल्ली के सरकार कहा गया था, सो रहा था आग बंद करके, उस लड़की को कैसे मार दिया है। तब पुलिस वाले उसमें बीजेपी के नेता ही था सब, सारे ये हाथ हादसा किसलिए होता है, नेता की कर्मा है ये जो नेता है, सब मिली भगत है। बड़े घर का क्यों नहीं होता है, बड़े घर का लड़की को क्यों नहीं रेप किया जाता है, गरीब घर का लड़की क्यों रेप किया जाता है, 7-8 लोग क्यों रेप किया जाता है, क्योंकि उसका आगे पीछे है ही नहीं कोई। लेकिन आप झुग्गी और मकान की बात कर रही हैं, तो बीजेपी तो दावा कर रही है ना, जहां झुग्गी वहीं मकान। हाँ, ये तो बोला जहां झुग्गी वहां मकान होगा, तो इन लोग का साजिश है। एक तो ये मोदी केजरीवाल, साजिश कौन सी है, साजिश है ये केजरीवाल। 5-6 साल से, अब कितना साल हो गया, 5-6 साल से ऊपर हो गया। पहले डीटी पानी फ्री दे रहा है, बिजली बिल फ्री दे रहा है, वो तो केजरीवाल दे रहे हैं। हाँ, तो सब मिली भगत है ना। मोदी जी ने कहा था सबको मकान मिलेगा, मध्य वो ही कहता है जहाँ झुकी हुई मकान, तो आप हटा रहा है, वो हटा के अपना पैसा तो खर्चा किया वोट लेने के लिए आ जाते हैं कि मकान होगा, झुकी होगा, नाला होगा, मीटर लगेगा, पानी देगा, और वोट लेने के बाद कुछ नहीं है, वोट लेने के बाद कुछ नहीं है, नहीं है। अमीर गरीब एक बराबर नहीं है, सबका विकास। आप ये केजरीवाल कुछ नहीं है, सब झूठ है, वोट लेने के बहाने सब झूठ है। गरीबों के पैसे से अलग नेता बने हैं, गरीबों के पैसे से गरीबों का पैसा खा खा के वो लोग सब बना लिया, अपना माहौल बना लिया, और गरीब रास्ता पे पड़ा रहेगा। मोदी का पानी का छुआ है, अगर पुलिस का सहारा लिया हुआ है, अरे पुलिस का हटाओ ना, पुलिस का हटाओ तो देखो पब्लिक का हिम्मत कैसा है, समझा नहीं होता। गरीबों को कौन पुलिस लगाया, अहंकार आगे आ जाओ, डंडा लेकर आई हो, अपना नारा लगाऊंगी, काय का नारा लगाएंगी, ओ घर का नारा लगाऊंगी, घर लेकर छोड़ूंगी। अच्छा, तो मोदी दे रहे ना, नहीं मोदी नहीं दे, मोदी तोड़वा रहा है। हाँ, जहाँ ही झुके हुए मकान, जिंदाबाद, नारे तक भी लल्ला हुआ, पांच साल बाद ही मिलेगा, समझे, मिलेंगे नहीं अब आपको यहाँ पे,
मोदी नहीं मिला एक आवाज तो जाएगा हुआ, इसका आवाज तो जाएगा हुआ। प्रधानमंत्री है, प्रधानमंत्री का हम ही लोग ना बैठाए, प्रधानमंत्री का हम ही लोग ना बैठाए। जनता को पहली पसंद है, जनता को क्यों उड़ा रहा है? नहीं बना रहा है गुरु, नहीं बना रहा है, झूठ बोल रहा मोदिया, मोदिया झूठ बोल रहा, झूठ क्या बोला मोदी जी? मोदी के देखो, मोदी चाय बेचता था ट्रेन में, एक पब्लिक मुसलमान हिंदू मिलकर गरीब आदमी उसको वोट दे के जिता दिया, प्रधानमंत्री बना दिया। मोदी बोला कि हम सबको घर जीतेंगे तो सबको घर देंगे, जहाँ पर रहेंगे वहीं पर घर देंगे। आप देखो मोदी कह रहा है कि घर से बेघर करूंगी, क्यों कर रहा कर रहे हैं? नोटिस लगा दिया भाई, अरे बहिन नोटिस लगा दिया। वो बोला था उठे में कि जहाँ घर तही जहाँ झुके हुए घर, अब नहीं कर रहा है। नोटिस तो मिला होगा ना? हाँ, कितने दिन पहले मिला है? हो गया एक महीना डेढ़ महीना। अच्छा, तो एक डेढ़ महीना में कितने साल से रह रहे हो? हम 80 साल से रह रही हूँ। अच्छा, मेरा ससुर रहा यहाँ, सुना मेरा ससुर यहाँ था, अब मेरा ससुर का जन्म, हमारा ससुर ये था, देखो मेरा बच्चा भी हो गया, मेरे बच्चा का बच्चा भी हो गया। अच्छा, हाँ 80 साल से रह रहे हो, अब भी विश्वास है आपको? हाँ मेरा मिलेगा, हाँ मेरा तो विश्वास है कि जहीं पर हो वहीं पर हमारा घर मिलना चाहिए। तो कहते हैं हम औरतें तो हमारी साइलेंट वोटर है, चुपचाप वोट देती है हमारे को, तो कहाँ चले गए? तो कहाँ चले गए, तो वही ना पूछो, झूठ नहीं बोल रहा है? कहाँ गए? झूठ बोल रहा है ना, झूठ बोल के ना उजाड़ रहा है इतना हिंदू मुसलमान को, क्यों उजाड़ रहा है बताओ? हाँ, गरीब का देखो पूरा पानी से भिगा दिया, बीमारी आदमी दे हूँ, ठंड लग रहा है, आप लोग भींगे मैं भींगे, बताओ क्या इच्छा था गाड़ी में से फुहारा छोड़ने का? लोग अपना हक मांगे आया था, मार नहीं करने आया था, अपना हक लेगा चला जाएगा, बस इसमें मार करने का क्या बात है, फुहारा देने का क्या?